हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पास पॉइंट में, जहां पाते हैं इंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज जो आपको आपके जीवन में सफल रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए बिना समय गवाए अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है TDS एक अनोखी दुनिया। अर्थात TDS क्या होता है, ये क्यों लगाया जाता है, कौन कौन पर्सन इसमें शामिल होते हैं, क्या इसकी फुल फॉर्म होती है, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द TDS? TDS क्या होता है? तो अगर हम नॉर्मल आम आदमी की लैंग्वेज में बात करें दोस्तों, तो गवर्नमेंट देखती है कि अगर किसी भी पर्सन को इनकम होती है, किसी भी जरिए से अगर उसको इनकम होती है, तो उसमें से कुछ परसेंट काटकर गवर्नमेंट के खाते में जमा कराया जाए, इसी को TDS बोला जाता है। गवर्नमेंट चाहती है कि जिस पर्सन को इनकम हुई है, पता नहीं वो पर्सन जमा कराएगा या नहीं कराएगा, तो दूसरे पर्सन जिसको पैसा देना है उससे बोला जाता है भाई तुम इसके हिस्से का अमाउंट काटकर जमा कराओगे, उसको TDS बोला जाता है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए आप और मैं, हम दो जने हैं, मैंने आपको कोई काम करके दे दिया जिसके उपलक्ष में आप मुझे पेमेंट करेंगे, तो इनकम किसे रिसीव होनी है? कृष्ण चौहान को। पेमेंट कौन कर रहा है? आप पेमेंट कर रहे हैं। तो आप उस पेमेंट में से कुछ अमाउंट जो स्पेसिफाई किया गया है काटकर गवर्नमेंट के खाते में जमा करा देंगे, मेरा पैन कार्ड लेकर कि भैया अपना पैन कार्ड नंबर दे दो, मैं आपके खाते में से इतना रुपए गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करा दूंगा और बाकी की आपकी पेमेंट ले लो। तो इस चीज को, इस टर्म को गवर्नमेंट ने TDS का नाम दिया गया है, जिसकी फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो आइए एक इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमने यहां पर लिखी हुई है। The concept of TDS was introduced with an aim to collect tax from the every source of income. मतलब हर सोर्स ऑफ इनकम से टैक्स को कलेक्ट किया जाएगा। कुछ इनकम का क्राइटेरिया बनाया गया है कि भाई ये इनकम होनी चाहिए, ऐसे ऐसी इनकम होनी चाहिए, इतने इतने अमाउंट की होनी चाहिए, तब हम TDS काटेंगे। तो उसके लिए सब बनाया हुआ है, वो आगे हम जानेंगे। एज पर दिस कॉन्सेप्ट ए पर्सन डिडक्टर, तो मैंने बताया डिडक्टर यानी कि आप, क्योंकि आप अभी आपके ने मेरा टैक्स काटा ना, तो आप क्या हो गए? डिडक्टर हो गए। हु इज लाइबल टू मेक पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड नेचर टू एनी अदर पर्सन, यानी डिडक्टिव यानी मैं, मेरी इनकम हुई है, आप पेमेंट करेंगे, आपका मैंने काम किया था, सेल डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, तो आप टैक्स काटेंगे, उसमें से टैक्स काट के मेरे को पेमेंट करेंगे, एंड रिमेन द सेम इन टू द अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसी सेम को आप जमा करा देंगे किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में। एक टर्म दिखाई जाती है, उस अकाउंट में जाके आप वो जमा हो जाता है TDS, वो भी बताएंगे कैसे होता है। अगर आपको जानना है इसका प्रैक्टिकल तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। द डिडक्टी फ्रॉम हुज इनकम टैक्स हैज बीन डिडक्टेड, और जिसका इनकम टैक्स काट लिया जाता है, एट सोर्स वुड बी इंटायर टू गेट क्रेडिट ऑफ द अमाउंट, और उसे जिसका ये TDS काटा गया है, मान लीजिए आपने मेरा 10% काट के यानी 1000 रुपए या 10,000 रुपए मान लीजिए आपने मेरा काट कर गवर्नमेंट के अकाउंट में जो जमा कराया, उसको मैं ले सकता हूँ, पूरे का पूरा अमाउंट मैं बाद में ले सकता हूँ एक टाइम पीरियड के बाद, वो भी बताया जाएगा कि कैसे लिया जाता है अमाउंट। सो डिडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म 26AS, जितना भी आप TDS कटता है आपका, वो सारा का सारा 26AS में दिखाई देता है स्टेटमेंट के रूप में, किसने कितना कब कब काटा। और एक TDS सर्टिफिकेट भी होता है जो डिडक्टर इश्यू करता है, तो इनके बेस पर वो TDS ले सकता है। तो दोस्तों TDS यही होता है कि कोई भी इनकम अगर हुई है तो गवर्नमेंट चाहती है कि जिसको पेमेंट करनी है वो कुछ अमाउंट काट कर पेमेंट करे,
और काटा हुआ अमाउंट गवर्नमेंट के खाते में जमा कराए, डेट इज कॉल्ड टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये किस सेक्शन के तहत लिया गया? इनकम टैक्स सेक्शन के तहत लिया गया, 1961 1961 के तहत ये आता है। क्लियर? तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। डिडक्टर कौन होता है? डिडक्टर तो मैंने बताया वो पर्सन जो पेमेंट करेगा, जिसने सर्विस ली है, जिसने एक पर्टिकुलर पर्सन से सर्विस ली है उसको वो पेमेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड डिडक्टर, और वही टैक्स काटता है। तो आइए जान लेते हैं, द कंपनी और पर्सन दैट मेक्स द पेमेंट आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस इज कॉल्ड डिडक्टर। जो टीडीएस काट के पेमेंट करता है उसको डिडक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, डिडक्टिव, द कंपनी और पर्सन रिसीविंग द पेमेंट इज कॉल्ड द डिडक्टिव, और जिसको पेमेंट रिसीव होती है, जिसने सर्विस दी होती है उसको क्या बोलते हैं? डिडक्टिव। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर किसी कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें अपने डाउट, ताकि मैं आपके क्लियर कर सकूं। व्हाट अ डिडक्टर मस्ट डू, एक डिडक्टर को क्या करना चाहिए? तो नंबर एक, ऑब्टेन 10 फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट, तो उसे 10 नंबर लेना पड़ेगा और आईटी डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 10 नंबर के तहत। ये 10 डिजिट का होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 10 नंबर क्या होता है, कैसे लिया जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसके ऊपर भी एक नई वीडियो बनाऊंगा। ऑप्टेन पैन ऑफ डिडक्टिव, जिसका आपको टीडीएस काटना है उसका आपको पैन नंबर लेना पड़ेगा, तभी तो उसके खाते में जमा होगा एक तरह। वो इसकी फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द पेमेंट एंड कैटेगराइज अंडर ए पर्टिकुलर सेक्शन, आपको जानना होगा कि जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, जो आपने सर्विस ली है उसका नेचर क्या है, किस कैटेगरी में आता है और किस सेक्शन के तहत आप उसका टीडीएस काटेंगे, ये डिटेक्टर को जांच करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, डिडक्ट टैक्स एट स्पेसिफाइड रेट, और एक स्पेसिफाइड रेट होना चाहिए भाई, क्या नेचर है, किस रेट के तहत आप टीडीएस काट रहे हैं। ये नहीं किसी का भी कितने में अमाउंट में काट लिया और कितना भी कितना जमा करा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट ने इसके क्राइटेरिया बताया हुआ है, रेट बताया हुआ है, नेचर बताया हुआ है, उसी के तहत आपको काटना होता है। डिपॉजिट टैक्स इन द डेजिनेटेड बैंक विद इन स्पेसिफाइड टाइम, और समय के अनुसार उसे जमा कराना होता है, अदरवाइज आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी लगती रहती है। इशू टीडीएस सर्टिफिकेट टू द पेई, जिसने हमें इनकम दी है, जिससे जिसका हमने टैक्स काटा, जिसकी इनकम हुई है, जिसका हमने टैक्स काटा है, उसको हम एक टीडीएस सर्टिफिकेट देते हैं कि लीजिए हमने आपका इतना इतना टैक्स काटा है एक साल के अंदर अंदर, फाइल टीडीएस रिटर्न, और फिर हमें वो टीडीएस रिटर्न भी अपनी फाइल करनी पड़ती है। टीडीएस रिटर्न क्वार्टरली फाइल होती है, साल में 4 बार। आगे बढ़ते हैं, टीडीएस ऑन रेंट, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस, टीडीएस ऑन कमीशन। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ टीडीएस ऑन रेंट, ये रेंट एक सर्विस हो गई, इस सर्विस के ऊपर किस तरह से टीडीएस लगाया जाएगा, क्या क्राइटेरिया है, फिर टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस, तो इसी तरह से क्या इसका क्राइटेरिया होता है, कितनी इनकम होनी चाहिए, किस रेट से काटा जाएगा, किस पर्सन का काटा जाएगा, ऐसे टीडीएस ऑन कमीशन और टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। इसकी ये अभी मैंने जो आपको समझाया ये एक हमने समरी के रूप में समझा दिया, इसकी ब्रीफली जो आगे हम पढ़ेंगे वो सेकंड पार्ट में जानेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग भी देखने में बोर हो जाएंगे, इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें और आप अपने जीवन को खुशहाल और अच्छा बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।